मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई है, जहां रायसेन जिले में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तमन्ना नायक ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में जब से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन संभाला है, तभी से प्रदेश की सियासत में उफान मचा हुआ है। वहीं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों दल अपनी अपनी जीत की तैयारी को लेकर मैदान संभाल रहे हैं। यही हाल रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर कांग्रेस जीतने के लिए कमर कस चुकी है और इस बार जीत की जिम्मेदारी सौंपी है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल को, जिसके चलते जहां वह क्षेत्र में निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं नए लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने में जुटे हैं। इसी के चलते सोमवार को उन्होंने किन्नर समुदाय के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई, जहां पार्टी कार्यालय में सभी किन्नरों का फूलमाला से स्वागत किया गया। आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगामी अभी चुनाव उपचुनाव होना है विधानसभा, जिसमें सांची विधानसभा भी आती है। आप इस सांची विधानसभा में आपका राजनीतिक दल से आप प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? तो क्या करोगे आप आने वाले चुनाव में? कांग्रेस पार्टी का साथ दूंगी। मनोज अग्रवाल जी हैं रायसेन के जिला, रायसेन के जिला अध्यक्ष, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी और उनके कांग्रेस पार्टी में जितने भी मेरे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सब हैं, उनका मैं हमेशा मिलकर साथ दूंगी। मतलब आपने मन बना लिया, तो मतलब यहाँ पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे विधानसभा में? नहीं उतारना आपको प्रत्याशी, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे रायसेन में जो अग्रवाल मनोज अग्रवाल जी हैं हमेशा अच्छा काम करते हैं, हर इंसान का हर उससे साथ देते हैं, हर मुसीबत में गरीब का हर किसी का साथ देते हैं। मैं हमेशा उनका साथ दूँगी, उन्हीं के साथ में हमें मिलकर काम करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तमन्ना नायक, रायसेन। आपको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब आपके आगे का क्या प्लान है और क्या करना चाहोगी आप? राष्ट्रीय विकलांग किन्नर पार्टी के में तो वो बनाया गया मोर्चे ना, प्रदेश तो अध्यक्ष बनाया गया है ना। मैं चाहती हूँ कि जैसे ये विकलांग पार्टी है, विकलांग लोग हैं, इनकी मदद करूँगी और जो गरीब लोग हैं इनके हर मुसीबत में साथ दूँगी मैं, और हर मुसीबत में मतलब अपना हक ईमान से इनका साथ दूंगी मैं। प्रदेश का दौरा भी करोगे आप? फिर क्या करना है आपका दौरा भी करोगे? आगे का प्लान क्या? परेशानी होगी जहाँ जहाँ भामा जाऊंगी मैं, किन्नर समाज के भी मतलब सब के लिए लड़ूंगी मैं। तो जो जिला स्तर पर भी गठन किया जाएगा इसका, क्या आप प्रदेश में घूमोगे उसके बाद जिला स्तर पर गठन करेंगे, क्या कैसा क्या है? जिला उसमें भी घूमूंगी और हर उसमें जाऊंगी मैं, परेशानी जिसको परेशानी होगी उनको मालूम चलेगा, उसकी परेशानी दूर करूँगी, हर उसमें साथ दूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तमन्ना नायक, रायसेन। हाँ, आज रायसेन नगर के राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो आपके कार्यालय पे आए हैं, क्या है ये पूरा? सर्वप्रथम तो मैं रायसेन ग्रुप तमन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई प्रेषित करता हूँ, रायसेन ब्लॉक कमेटी रायसेन की ओर से और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से। निश्चित ही तमन्ना गुरु जी रायसेन में निवास करती हैं और निरंतर 5 वर्षों से मानव सेवा इनकी पहली प्राथमिकता है, ये दोनों धर्म को मानती हैं, हिंदू मुसलमान। निश्चित ही आज रायसेन बड़ा गौरवान्वित है कि हमारे रायसेन शहर को प्रदेश का प्रतिनिधित्व किन्नर मोर्चे के रूप में मिला है, और जब जब मानव सेवा की बात आती हो, चाहे नामदेव लड़का एक था निर्धन परिवार से जिसका मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उनको आर्थिक मदद हमारी तमन्ना गुरुजी ने करी हो, एक निर्धन परिवार था पटेल नगर 11 नंबर में रहने वाला, उसके पास आर्थिक स्थिति उनकी इतनी बेकार थी कि वो अंतिम संस्कार के बाद जो 13 का कार्यक्रम होता है उसको नहीं कर पाते, उनको 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता ऐसी तमन्ना गुरु ने दी है। और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में निश्चित ही मेरी कार्यशैली और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने इस बाई इलेक्शन जो होना है उपचुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन का हमें दिया है, तो निश्चित ही हम उनकी किन्नर समाज के पूरे लोगों को और तमन्ना गुरु को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना पेश करते हैं। मनोज अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर रायसेन। गौरतलब है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सांची विधानसभा भी शामिल है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस पार्टी
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।